हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग के बहुत सारे नई अपडेट्स। और आज की अपडेट्स मतलब आज की अपडेट यानी कि फर्स्ट अपडेट में ही आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि आप लोग हमेशा बोलते रहते हो कि रमांडिनो की अपडेट कहाँ है। और फाइनली आज हमें एक नहीं बल्कि दो अपडेट्स देखने को मिलेंगी रमांडिनो की। एंड इट इज़ अ क्रेजी डे गाइस, बिकॉज रमांड कभी तो हमें एक भी अपडेट नहीं देते हैं, हमें नहीं मिलती, बट आज मैन ही शेयर टू अपडेट्स एंड टू सिक अपडेट्स। पहले हमने इनको देखा एक टैंक टॉप के अंदर, एंड जिस तरह की ग्रीनीनेस, जिस तरह की मसल हार्डनेस ये प्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, जिस तरह के लग रहे हैं, जिस तरह की विद इनकी अपीयर कर रही है, मैन ही इज़ गेनिंग मसल मेचोरिटी। जितना ज़्यादा हमने एक्सपेक्ट करी थी उससे कहीं ज़्यादा स्पीड से ही इज़ गेटिंग बेटर एंड बेटर एंड बेटर। मतलब काफ़ी लंबे टाइम से इन्होंने कोई अपडेट शेयर नहीं करी, एंड देन ही लुक्स लाइक दिस। प्योरली वर्क, प्योरली डेडिकेशन, प्योरली फोकस अपना अलग ही लेवल पर लेकर जा चुके हैं ये। लुक एट द लेवल ऑफ वैस्कुलैरिटी मैन, आई मीन ही इज़ लुकिंग क्रेजी। कितना ज़्यादा अपने मसल्स को इन्होंने इम्प्रूव कर लिया है, कितनी ज़्यादा पील ये लग रहे हैं, आप इनकी स्किन क्वालिटी देखो। एंड 4.5 वीक्स आउट गाइस, आप रिमेंबर करो इस चीज़ को कि अभी भी मिस्टर ओलंपिया में 4.5 वीक्स आउट है ये, एंड रमॉन इज बीट आउट ऑफ हिज माइंड गाइस। अपने लास्ट ईयर के पैकेज को ये ऑलरेडी बीट करने के लिए रेडी हैं। आई मीन लास्ट ईयर आपने देखा था कैसे क्रिस बम्स्टेड के एक क्लोज आ गए थे। अब मैं इस बारे में एक बात क्लियर कर दूं कि कुछ सब्सक्राइबर्स को आई थिंक थोड़ा सा ना इस बारे में गलतफहमी है कि इन्होंने क्रिस बम्स्टेड को बहुत ज़्यादा पुश करा था। नहीं गाइस, ऐसा नहीं था। इन्होंने 5 पोजीज में से सिर्फ बैक पोज में क्रिस बम्स्टेड को बीट करा था, बाकी पोजीज में ही वॉज रियली गुड, ही वॉज कंपेरेबल, बट नहीं, क्रिस बहुत ज़्यादा आगे थे। लेकिन उसके बाद भी गाइस इस साल अपने लास्ट ईयर के पैकेज को टोटली बीट करने के लिए रेडी हैं। देखो लास्ट ईयर की मिस्टर ओलंपिया के बाद गाइस रमॉन ने पूरी तरह से अपनी ट्रेनिंग रोक दी, अपनी डाइटिंग भी 2 महीने तक बंद कर दी और सिर्फ 6 वीक्स की प्रेप करी थी आर्नो क्लासिक के लिए, 6 वीक्स की। और उसके बाद भी इतना अमेजिंग पैकेज लेकर आए थे कि वेस्ली विजर्स से सिर्फ 2 पॉइंट से लूज करा था, 1 पॉइंट से पीजाजिंग में, 1 पॉइंट से फाइनल में। और अब उस चीज के बाद गाइस ही इज डूइंग अ लॉन्ग प्रेप, मतलब आई थिंक इन्होंने 18 से 20 हफ्ते की प्रेप प्लान करी है इस बार। एंड दैट डिफीट गाइस, वो जो वेस्ली विजर्स एकदम से आके इन्होंने इनको बीट करके चले गए थे, आई मीन इससे पहले ये फोकस थे गाइस, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट एक तरह से उसके बाद भी ये सेटल थे कि ठीक है क्रिस बम्स्टेड को मैं आने वाले टाइम में कभी ना कभी बीट कर दूंगा इफ़ आई गेट अ चांस, बट सेकंड प्लेस मेरे लिए पक्की है, कोई भी मेरे आसपास नहीं है, नोबडी कैन बीट मी, नोबडी कैन टच मी, आई एम सो मच इम्प्रूव्ड। एंड यस, ऐसा था गाइस, लेकिन वही है कि आपको शो डे पे उस तरह से दिखना पड़ता है। वेस्ली केम आउट ऑफ नोवेयर, मतलब जैसे कहते हैं ना रेसलिंग के अंदर आरके आउट ऑफ नोवेयर, उसी तरीके से वुफ वेस्ली केम एंड पीपल स्टॉप टॉकिंग अबाउट रमांडिनो। जिस तरह से वेस्ली ने 7th प्लेस से 4th प्लेस पर आकर यहाँ पर रमांडिनो को बीट कर दिया, हर किसी ने रमांडिनो के बारे में बात करनी बंद कर दी। ही बिकेम द अंडरडॉग ही हैज ऑलवेज बीन इन हिज लाइफ। आई मीन इस चीज़ ने इनको और ज़्यादा फोकस होने पे मजबूर कर दिया, और ज़्यादा एंग्री कर दिया। ही वर्कड लाइक नेवर बिफोर, ही सफर्ड लाइक नेवर बिफोर। ये क्लिप तो आपने देखी होगी राइट। 8th, 7th, 4th, 3rd, 2nd, 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 2
आपको भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन, इंस्पिरेशन और बहुत ज़्यादा फायर्ड अप लगेगी ये अपडेट। उसके बाद इन्होंने ये अपडेट शेयर करी आज दूसरी, एंड ये होता है गाइस जब आप बहुत रेयरली अपने अपडेट शेयर करते हो। इनकी अपडेट्स इतनी रेयर हैं जितनी कि डायमंड, मतलब अगर आप डेली अपडेट शेयर करोगे, वीकली अपडेट शेयर करोगे, इतनी बात नहीं होगी गाइस, लोग भी इतना सीरियस नहीं लेंगे। लेकिन आप 3-4 महीने में एक अपडेट शेयर करते हो, एवरीवन स्टार्ट्स टॉकिंग अबाउट यू एंड इट इज़ सिक। क्योंकि मैं इंस्टा पर स्क्रॉल कर रहा था, आई थिंक 12-13 पोस्ट मुझे रमांडिनो के देखने को मिले सेम अपडेट के फ्रॉम डिफरेंट पेजेस, आप समझ सकते हो। एंड एवरीवन इन दिस पोस्ट हर कोई यही बात कर रहा था कि रमांडिनो की बैक कैसी लग रही है, रमांडिनो की इंप्रूवमेंट्स कैसी लग रही है, रमांडिनो कितने ज़्यादा ग्रेनियर, कितने ज़्यादा मसल मैच्योरिटी कैरी करते हुए दिख रहे हैं इन अपडेट्स के अंदर। अब अगर चलो हम अपडेट की बात करने चाहें सीधे सीधे, तो मैं आपको ये बताऊं, लास्ट ईयर ही रमांड ने बैक पोस्ट में तो सीबम को बीट कर दिया था, और उसके बाद अब तो ये इसको और भी ज़्यादा बैक को क्रेजी करके ला रहे हैं। द कंडीशन इज दियर, द डेवलपमेंट एंड डिटेल जो इनकी बैक में रिक्वायर्ड थी या फिर और ज़्यादा ही ऐड कर सकते थे, इन्होंने कर लिए गाइस। इवन द लोअर लैट्स में भी इनसेन लेवल की थिकनेस और डेवलपमेंट हम देख सकते हैं। क्रिसमस ट्री अभी से पूरी तरह से विजिबल है, ट्रांजिशंस के टाइम पर भी ह्यूज आर्म्स, क्रेजी फोर आर्म्स, सेपरेशन इनके मसल्स में ऑलरेडी विजिबल है, आर्म्स तक में विजिबल है, लैट्स काफ़ी वाइडर लग रहे हैं, रियर डेल्ट्स पूरी तरह से पॉप आउट करते हुए दिख रहे हैं, राउंडनेस वो दिख रही है एक क्रेजी स्मॉलर वेस्ट के साथ में गाइस। यस, जैसे ही ये पोज हिट करते हैं आप देखो इनकी वेस्ट कितनी स्मॉलर लग रही है, और इनका फ्रेम, इनके विंग्स किस तरह से ओपन हो जाते हैं।
आई मीन वॉट मोर कैन बी एडिड टू मेक इट मोर इम्प्रेसिव, क्या चीज़ और ऐड करी जा सकती है? कंडीशन, ग्रेनीनेस, बट वो चीज़ तो ऑलरेडी है मैन, बहुत ज़्यादा ऐड कर दी गई है इस फिजिक के अंदर ओवर द टाइम। मतलब वही बोल रहा हूँ ना, मैं आपसे स्टार्टिंग में ही बोला कि इतनी जल्दी मसल मैच्योरिटी इस लेवल की गेन करना मैं नहीं एक्सपेक्ट करता था या फिर कोई भी नहीं कर पाता, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल, आपको सीजन बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। बट रमोंडिनो की स्पीड इस चीज़ में, आई थिंक जिस तरह से वो ट्रेन कर रहा है मैन, दैट इज़ जस्ट इनक्रेडिबल। ही इज़ लुकिंग सिक इन दिस अपडेट्स, ही इज़ लुकिंग नाली। आई मीन यहाँ पर इनको ना रियल एक्सपेक्ट पोज हिट करने की जरूरत थी नहीं, बट इन्होंने हिट करा एंड डैम इनकी बैक देखो किस तरह से ओपन हो रही है, लैट्स देखो किस तरह से थिकर लग रहे हैं, और साथ में इस पोज को और ज़्यादा डेंजरस, पता है क्या चीज़ बनाती है और ज़्यादा डेंजरस बनाती है? इनके ट्राइसेप्स की फुलनेस। यस, इस लेवल की ट्राइसेप्स फुलनेस आई थिंक मैंने सिर्फ स्टेफन मटाला के पास देखी है। क्लासिक डिवीजन की अगर मैं बात करूँ, ओपन की बात नहीं कर रहा, ना मैं फिजिक की ना 212 की, क्लासिक में सिर्फ स्टेफन मटाला इस पोज में ऐसी फुलनेस हमें ट्राइसेप्स में दिखाते हैं, और इसीलिए ये पोज एक बहुत ज़्यादा कंप्लीट, बहुत ज़्यादा डेंजरस पोज बन जाता है इनका। वैसे देखो इस डिवीजन में मैंडेटरी पोज ये नहीं है, बट उसके बाद भी दीज आर ओनली बैक अपडेट्स। अब आप इमेजिन कर सकते हो कि इनके फ्रंट पोजेस कितने डेंजरस होंगे, कितने नाली होंगे, कितने सीख होंगे, अगर इनके बैक पोजेस कुछ इस तरह से दिखाई दे रहे हैं तो। मसल हार्डनेस एक नए लेवल तक पहुंच रही है। आई रियली थिंक गाइस कि इस साल हम बहुत ज़्यादा मसल मैच्योरिटी और ग्रीनीनेस कैरी करते हुए देखने वाले हैं रमोंडिनो को स्टेज पर एक बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव पैकेज के साथ। एंड मे बी इस बार गाइस हमें ओपन डिवीजन की तरह ही क्लासिक डिवीजन में भी थ्री वे कॉल आउट, यानी कि तीन लोगों का कॉल आउट होते हुए दिखे, जैसे कि हमने ओपन डिवीजन में लास्ट ईयर, लास्ट टू लास्ट ईयर और कई सारे प्रो शोज में भी देखा है वैसे ही। क्योंकि देखो इवन दो रमोंडिनो आई थिंक इस पैकेज के साथ मुझे लगता है बीट कर सकते हैं वेस्ली को, वेस्ली के साथ एक दूसरा एस्पेक्ट है, ही इज़ वे मोर क्लासिक और बहुत ज़्यादा अलग लेवल की कंडीशन, अलग लेवल के स्ट्राइशंस लेकर आते हैं, लेकिन रमोंडिनो इज़ लुकिंग सिक इन दीज अपडेट्स, तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता। लेकिन अगर रमोंडिनो ने वहाँ पर वेस्ली विजर्स को बीट कर भी दिया, तब भी जजेस आई रियली बिलीव कि सीबम और वेस्ली विजर्स को एक साथ खड़ा जरूर देखना चाहेंगे, कंपैरिजन करना चाहेंगे, और इसीलिए एक थ्री वे कॉल आउट हमें ज़रूर होते हुए दिखने वाला है इस बार क्लासिक डिवीजन में भी। बाकी आप बताओ आपको ये अपडेट्स कैसे लगी। आई रियली नो कि मैंने बहुत ज़्यादा बात करी है रमोंडिनो की इस अपडेट में, लेकिन गाइज इट एक्चुअली डिजर्व्ड ऑल द अटेंशन आई गेव दिस अपडेट, क्योंकि ये एक्चुअली बहुत ही रेयर अपडेट थी और बहुत ही सिक अपडेट थी। एनीवेज इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पे गाइज, जो कि है मार्टिन फिट्सवाटर की। एंड मार्टिन फिट्सवाटर ने इस सीजन में सबको बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस कर दिया है। आई मीन बैक टू बैक क्रेजी परफॉर्मेंसेज, हमेशा पीक हिट करके आना और ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स लेके आना अपने लास्ट शो के कंपैरेटिवली, और एक वो फैक्टर शो करना अपने हर शो में, अपनी हर परफॉर्मेंस में, जो कि बहुत ज़्यादा लैक करता है बॉडी बिल्डिंग में, कंसिस्टेंसी। यस गाइज, दिस इज समथिंग जिसके बेस पर आप बहुत ज़्यादा लोगों पर बैट नहीं कर सकते हो। बहुत ज़्यादा एथलीट्स आपको बिना शो के अपनी अपडेट्स के अंदर इंस्टाग्राम वगैरह पर बहुत कंडीशन दिखाई देंगे, बहुत अच्छे दिखाई देंगे, आपको लगेगा मिस्टर ओलंपिया जीतने के पूरे दावेदार हैं ये, लेकिन आप स्टेज पर देखोगे वो क्लोज भी नहीं होंगे उस कंडीशन के, क्योंकि पीक हिट करना इज़ नॉट समथिंग विच एवरी वन एक्सपर्टाइज इन। और यही चीज़ है गाइस जहाँ पर मार्टिन फिट्सवाटर या फिर निक वॉकर या फिर हाडी चुपन, इन जैसे एथलीट्स ओपन डिवीजन की अगर मैं बात करूँ तो ये शाइन करते हैं बहुत क्रेजी लेवल पर, एंड जजेस ने इनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करा गाइस। आई मीन न्यूयॉर्क प्रो में जिस तरह से ये स्टूड अप करे निक वॉकर के अगेंस्ट, जजेस ने बहुत अप्रिशिएट करा और इनको एक अलग ही लेवल का क्रेजी कॉन्फिडेंस बूस्ट मिला, साथ में एक ऐसी सेल्फ बिलीफ जो किसी और चीज़ से आपको शायद ना मिल पाए। स्टेफन किंजो जो इनके कोच हैं, उसके बाद ये और वो बैठे और इन्होंने डिसाइड करा कि देखो न्यूयॉर्क प्रो के बाद अभी काफ़ी अच्छा टाइम अवेलेबल है, वी कैन एक्चुअली डू अ लिटिल बिट ऑफ बल्क, और ये बल्क पर गए गाइस और रिजल्ट्स आप लोगों के सामने हैं, आप लोग विटनेस कर सकते हो। ही इज़ लुकिंग बिगर डेफिनेटली गाइस, साइज इस फ्रेम पर ऑलरेडी एडिड है, यानी कि 3 से 5 pounds मुझे लग रहा है इस फ्रेम पर ऐड कर लिए गए हैं। मसल्स डेंसर लग रहे हैं, आर्म्स को देखो आप और ज़्यादा बिगर साइड पर लग रहे हैं, बैक बहुत ज़्यादा डिफाइंड लग रही है, वो थिकनेस विजिबल है क्योंकि इनको भी पता था बैक पर वो थिकनेस और ज़्यादा रिक्वायर्ड है। आई मीन इवन दिस गाइस ट्रांजिशंस आर लुकिंग सिक, किस तरह से ट्रांजिशंस हिट कर रहे हैं हर कोई देखो इनको अपनी प्रेडिक्शंस में फर्स्ट कॉल आउट में, यानी कि 7 से लेकर 8 प्लेस तक देख रहा था, एंड फॉर ऑल द गुड रीजंस ही एक्चुअली डिजर्व्स दैट। और ये पूरी तरह से पॉसिबल है गाइस, क्योंकि देखो कॉर्ड्स तक इनकी इंसेनली ह्यूज हैं और इनकी फिजिक को बहुत ज़्यादा बैलेंस, बहुत ज़्यादा कंप्लीट बनाती हैं। और इटली प्रो शो जो अभी हुआ ना रिसेंटली लास्ट वीक, यानी कि हंटर अब्राडा को हमने जिसमें कम्पीट करते हुए देखा और जीतते हुए देखा, उस शो के बाद में गाइस आई रियली कैन से कि मार्टिन बीट कर सकते हैं हंटर अब्राडा को। यस, मार्टिन इज सो मच बेटर कि हंटर अब्राडा को बीट करा जा सकता है, बिकॉज हंटर के साथ वो कंसिस्टेंसी वाला फैक्टर, वो पीक हिट करने वाला फैक्टर और साथ में एब्डोमिनल वाला फैक्टर बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे उनको नीचे पुश करने के लिए, और मार्टिन इज वे मोर कंप्लीट। आई रियली बिलीव कि हो सकता है अब आप लोगों को मेरी ये बात अजीब लगे, बट ब्रैंडन करी को भी हम देख सकते हैं मार्टिन के नीचे प्लेस होते हुए, बिकॉज ब्रैंडन करी की आई थिंक जितनी भी अभी तक की प्रेप हुई है ना सबसे बेकार प्रेप इस बार जारी है। अब्दुल्ला इज नॉट इन हिज कॉर्नर, और जिस तरह से वो ट्रेन कर रहे हैं वो इंटेंसिटी, वो
फोकस नहीं दिख रहा गाइस, ब्रैंडन इज नॉट लुकिंग दैट इंप्रेसिव। साथ में मार्टिन वो चीज कर रहे हैं गाइस जो रीगन ग्राइम्स को और पैट्रिक मूर को बहुत लंबे टाइम से लोग करते हुए देखना चाहते थे। ही इज वर्किंग हार्ड, ही इज रेडी टू सफर एंड ही इज इंप्रूविंग गाइस। अगर ये चीज ये दोनों भी कर देते तो शायद मेरे ख्याल से इनके बारे में भी ऐसी बात होती, ये भी इतने ही ज्यादा आगे जाते, उनकी फिजिक में भी इतना स्कोप अवेलेबल था। बट मार्टिन ने इस चीज को कैप्चर करा, इस चीज को कैपिटलाइज करा एंड देन यू कैन सी कितने इंप्रेसिव ही इज लुकिंग, ही इज अपियरिंग। एनीवेज आप बताओ मार्टिन की अपडेट आपको कैसी लगी गाइज। अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर जो कि क्योन पियर्सन की। एंड मैन क्योन पियर्सन के कोच यानी कि पैट्रिक टूर ने एक और अपडेट शेयर कर दी है जो कि 4.6 वीक्स आउट यानी कि मतलब 4.5 हफ्ते आप समझ लो सीधा सीधा। यहाँ पर ये बोल रहे हैं थिंग्स दैट मेक यू गो WTF। उसके बाद क्योन पियर्सन यहाँ पर रिप्लाई कर रहे हैं कुछ भी नहीं है, बस एक रूम दिखता है मुझे यहाँ पर भी इंप्रूवमेंट्स का एंड आई रियली लव इट। 4.5 हफ्ते बचते हैं दुनिया को दिखाने के लिए कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं और हम क्या चीज़ होल्ड करते हैं। बिगर, लीनर एंड बेटर एंड इतने ज़्यादा यंग ये हैं गाइस, मतलब इतने ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स के बाद इस फिजिक को होल्ड करने के बाद ये कह रहे हैं कि मुझे अभी भी सिर्फ एक चीज़ दिखती है कि मैं कितनी ज़्यादा और इंप्रूवमेंट्स कर सकते हूँ। इवन दिस क्योन इज टू हार्ड टू हैंडल, मतलब समझ रहे हो आप कि कॉम्पिटिशन के लिए यही क्योन हैंडल करने के लिए बहुत मुश्किल है और यहीं पर क्योन समझ रहे हैं कि अपने एक्चुअल पोटेंशियल से, अपने एक्चुअल स्कोप से, जो अभी भी स्कोप ये रखते हैं इंप्रूवमेंट्स का, उससे बहुत ज़्यादा दूर है ये। टू इम्प्रूव, टू एड मसल मास, टू एड मसल मेचोरिटी। आई रियली थिंक गाइस 212 डिवीजन को ना उतना क्रेडिट नहीं मिलता जितना वो डिजर्व करते हैं। आई मीन एक वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट डिवीजन ये रहा है काफी लंबे टाइम से। हर एक एथलीट बहुत जबरदस्त कंडीशन, बहुत जबरदस्त फुलनेस बींग करता है, मोर देन ओपन डिवीजन इन द रिसेंट टाइम्स। एंड जिस तरह की क्वालिटी 212 डिवीजन के एथलीट होल्ड करते हैं ना मैन, वो ओपन डिवीजन को आउटशाइन कर देती है जिस तरह के वो मसल्स लेकर आते हैं, जिस तरह की वो फ्रीकीनेस लेकर आते हैं एक बहुत ही कॉम्पैक्ट फ्रेम के अंदर। आई मीन लुक एट क्योन पियर्सन हियर गाइस, ये क्वार्टर टर्न्स कर रहे हैं यहाँ पर सिर्फ एंड कितने सिक फिर भी ये लग रहे हैं, पोजिस तो हिट ही नहीं कर रहा है। एंड जिस तरह से ये क्वार्टर टर्न हिट कर रहा है ना गाइस, मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंट लग रहा है, बहुत ही इंप्रेसिव लग रहा है। बिकॉज यूजुअली आप देखते हो जब भी कोई क्वार्टर टर्न हिट करता है वो अपना फ्लो दिखाते हैं, अपनी स्लोएट दिखाते हैं फ्रंट से, यानी कि आप उनका चेस्ट देख सकते हो, आप उनका एब्डोमिनल देख सकते हो, आप उनकी कोर देख सकते हो। बट क्योन इज डूइंग समथिंग टोटली डिफरेंट, ये क्वार्टर टर्न हिट कर रहे हैं अपनी बैक को प्रेजेंट करते हुए, अपनी बैक की क्रेजी विथ को प्रेजेंट करते हुए। आई मीन जो आपके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, जो आपको एक लीक से सेपरेट कर सकती है, आप उसी चीज़ को दिखाओगे राइट। ये चीज़ कोई और यूजुअली नहीं करता और कर भी नहीं सकता क्योंकि ये तो एक अलग ही लेवल की बैक दिखा रहे हैं। द डिटेल्स ही हैज एडेड टोटली विजिबल हैं, आप इनकी बैक की क्रेजी लेवल ऑफ विथ देख सकते हो गाइस। इवन 4.6 वीक्स आउट यानी कि 4.5 हफ्ते दूर हैं, उसके बाद भी इस तरह की क्रेजी डिटेल और विथ और मसल हार्डनेस ये प्रेजेंट कर रहे हैं। ही इज गोइंग टू बी अ क्रेजी मैन ऑन द स्टेज गाइस, नो डाउट इन दैट। एक रियली टफ नट टू क्रैक। आई मीन सारी रेस्पेक्ट मेरी अवेलेबल है शॉन क्लाइडा के लिए, लेकिन जैसे जैसे एक के बाद एक अपडेट शेयर कर रहे हैं क्योन पियर्सन और ज्यादा इंप्रेसिव, मैं और ज्यादा लीन कर रहा हूँ टुवर्ड्स क्योन पियर्सन कि वो शॉन क्लाइडा को बीट कर देंगे। आप इनके हैमस्ट्रिंग्स पर ये कट देख सकते हो मसल मास के साथ। आई मीन हाउ कैन यू नॉट, इनसेनली ब्रॉट अप बैक एंड हैमस्ट्रिंग जो इनको फीडबैक मिला था उस पर बहुत ही नेक्स्ट लेवल पर काम करा गया है। जजेस आर गोइंग टू बी सुपर इम्प्रेस्ड एंड ही इज पील्ड गाइस, पील्ड आउट ऑफ हिज माइंड, अभी से ही काफी पील्ड है। मैं ये नहीं बोल रहा कि शॉन क्लाइडा पील्ड नहीं होंगे इस पॉइंट पर, उनकी सिर्फ फिजिक उस तरह से रिवील नहीं हो रही है, बट ही इज ऑल्सो गोइंग टू बी पील्ड, ही इज गोइंग टू पुट अप अ क्रेजी फाइट। बट क्योन पियर्सन के साथ इतनी सारी चीजें चल रही हैं उनकी फिजिक में, मतलब फ्लो बोल लो, शेप बोल लो, सिमेट्री, एस्थेटिक्स, मसल मैच्योरिटी, ग्रेनिनेस, कंडीशन, साइज, एक भी चीज ऐसी नहीं है जहां पर क्योन पियर्सन लैग करते हुए दिख रहे हैं। आई मीन क्रेजी लेवल ऑफ कंप्लीटनेस ही इज प्रेजेंटिंग गाइस। आई रियली बिलीव एक एपिक बैटल हम लोगों का वेट कर रही है। एंड आप बताओ कमेंट सेक्शन में आपको ये अपडेट कैसी लगी, मुझे तो बहुत ही सिक लगी। मतलब अपडेट्स ऐसी होती है ना तो मेरा ऑफ डे होता है, मतलब कभी कभी मैं डिसाइड करता हूँ कि बहुत दिनों से अपडेट्स दे रहा हूँ अभी एक दिन का गैप लेता हूँ, बट फिर अपडेट्स ही ऐसी आ जाती हैं कि मुझे कवर करने बैठना ही पड़ता है। बट एनीवेज आई एम रियली हैप्पी कि आप लोगों को अपडेट्स मैं प्रोवाइड कर पा रहा हूँ, आई रियली होप आप लोगों को भी पसंद आ रही होंगी। इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट कि टोनियो बर्टन इस बार कम्पीट नहीं कर रहा है। यस, टोनियो बर्टन ने क्वालिफाई करने के बाद भी मिस्टर ओलंपिया से ऑप्ट आउट कर लिया है और यहाँ पर कैप्शन में ये बोलते हैं ये चीज़ कूल लगती है जब वो लोग करते हैं, बट जब मैं करता हूँ तो लोगों को इससे प्रॉब्लम होती है एंड इस चीज़ के लिए मैं काफ़ी हेट लेता हूँ, क्योंकि इनको काफ़ी हेट का सामना करना पड़ रहा है इस चीज़ के लिए। अब इन्होंने ऐसा क्यों करा गाइस, इनको दो चीज़ें रियलाइज हुई, इनको और इनके कोच को, एक इनको साइज चाहिए और दूसरा हेल्थ प्रायोरिटीज़। हेल्थ रिपोर्ट्स इनकी ऐसी आई हैं जिन्होंने इनको यूसेज करने पे, चीज़ों के यूज़ करने पे मना कर दिया, कम करने पे बोल दिया, और जो चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं प्रेप के टाइम पर अब ये उस तरह से यूज़ नहीं कर सकते, तो अगर करते तो इनकी हेल्थ काफ़ी सेक्रीफाइस होती, काफ़ी ऑन द लाइन होती। तो आई थिंक दैट्स अ रियली गुड थिंग, इनको ऐसा ही करना चाहिए। आई अंडरस्टैंड कैप्शन में ये बोलते हैं कि मैं समझता हूँ कुछ लोगों को लगता है कि मुझे ऑक्सीजन नहीं चाहिए और मैं इस फैक्टर को, इस बिलीफ को रियली अप्रिशिएट करता हूँ, बट एट द सेम टाइम मैं ये भी समझता हूँ कि कुछ लोगों को लगता है कि मसल मैच्योरिटी अगर मैंने अपने शेप और कंडीशनिंग के साथ में ऐड
कर दी, बहुत सारे फेवरेट बॉडी बिल्डर्स को नॉक ऑफ कर दूंगा। बट उसके बाद भी, और ये एक ऐसी चॉइस नहीं है जो मैंने सिर्फ सिक होने की वजह से या फिर अनहेल्दी होने की वजह से ली है, बल्कि मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं और ज्यादा साइज ऐड कर पाता हूँ अपने फ्रेम पर एक लो बॉडी फैट को मेंटेन करते हुए। अभी मिड डे में मैं 255 से 258 पाउंड का था और आज मॉर्निंग में मैं उठाऊँ 253.9 पाउंड्स का। मुझे ये लगता है एट द सेम टाइम कि एक ऑफ सीजन दूर हूँ मैं सम ग्रेट इम्प्रूवमेंट्स करने से, सम ग्रेट अचीवमेंट्स करने से। और जब ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगी हर एक चीज़ सेंस करेगी जिस बारे में आप लोग यकीन नहीं कर रहे हो अभी इस पॉइंट पर। तो एनीवेज टोनी ओबर्टन की ये बिलीफ मुझे अच्छी लग रही है। बाकी कुछ भी रीज़न हो, कुछ भी फैक्टर हो, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो यही है गाइस कि हेल्थ फैक्टर जब इन्वॉल्व हो जाए तो आई रियली थिंक कि आपको केयर नहीं करनी चाहिए आपके बारे में लोग क्या सोचेंगे, आपके स्पॉन्सर्स क्या सोचेंगे, आपको कोई भी छोड़ के चले जाए, आपके साथ कुछ भी हो जाए, जब हेल्थ प्रायोरिटी है तो भाई हेल्थ प्रायोरिटी है। आप 50 मिस्टर ओलंपिया में कम्पीट कर सकते हो, बट अगर हेल्थ अच्छी नहीं है तो एक में कम्पीट करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़े या फिर कुछ अनाप शनाप ही हो जाए आपके साथ, वो सही नहीं है। तो आई थिंक टोनी ओबर्टन के इस डिसीजन को हम सबको सपोर्ट करनी चाहिए। वैसे भी लास्ट ईयर टॉप 10 क्रैक कर चुके थे, इस बार आई थिंक किसी ने भी अपनी प्रिडिक्शन में इनको टॉप 10 के अंदर नहीं रखना, लाइनअप ही कुछ ऐसा है। तो आई बिलीव ये बहुत अच्छी अप्रोच है हर एक एस्पेक्ट से। आप बताओ मुझे कॉमेंट सेक्शन में आपको टोनी ओबर्टन की अपडेट कैसी लगी। एनीवेज इसके बाद बात करते हैं गाइस नेक्स्ट अपडेट में आंद्रेया पेस्सी की। एंड आंद्रेया पेस्सी ने हमें सरप्राइज करा था लास्ट वीक इटली प्रो में कम्पीट करके। इनका नाम कहीं से भी नहीं आया था, किसी को भी नहीं पता था ही इज अबाउट टू कम्पीट। हमें 3-4 दिन पहले ही पता लगा था एंड आई कवर्ड द अपडेट, बट उसके बाद इन्होंने कम्पीट करा एंड ही ब्रॉट अ पैकेज दैट रियली रियली वॉज क्रेजी। बहुत ही अमेजिंग पैकेज ये लेकर आए थे, कंडीशन कंसिस्टेंसी से ये हिट कर रहे थे वहाँ पर भी। और यहाँ पर अब इन्होंने एक और बहुत बड़ी अपडेट हमें दे दी है कि यूके प्रो में ये कम्पीट करें। वैसे इन्होंने अपडेट नहीं दी लेकिन हमें कहाँ से मिली, क्योंकि जो लिस्ट आई है यूके प्रो की उसमें इनका नाम अवेलेबल है और बैट विल्किन का नाम सरप्राइजिंगली यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो आई डोंट नो क्या रीज़न था या फिर क्या डिसाइड करा है, बट यहाँ पर पैट्रिक मूर और यहाँ पर दूसरे आंद्रेया पेस्सी इज गोइंग टू कम्पीट। और पैट्रिक मूर के लिए अब चीज़ें और ज़्यादा डिफिकल्ट हो गई हैं, स्पेशली द वे आंद्रेया केम इन इटली गाइस। आई मीन यस, हंटर लब्राडा वॉन द शो, हंटर लब्राडा क्वालिफाइड फॉर मिस्टर ओलंपिया, बट एग्जैक्ट सेम आर्ग्यूमेंट हम कर सकते हैं आंद्रेया पेस्सी के लिए भी अगर वो जीतते, क्योंकि आंद्रेया पेस्सी वॉज लुकिंग एज वेल एज हंटर लब्राडा लुक। यस, लेग्स में अभी भी मास की ज़रूरत थी, बट देन अगेन गाइस यहाँ पर कई सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर हंटर भी क्लोज नहीं थे परफेक्शन के। बट देन अगेन गाइस सेम आर्ग्यूमेंट हम इस चीज़ का आंद्रेया पेस्सी के लिए भी कर सकते हैं अगर वो शो जीत जाते। यस, लेग्स में अभी भी मसल मास रिक्वायर्ड है, बट देन अगेन गाइस देयर वर एरियाज वेयर हंटर वॉज नॉट क्लोज टू परफेक्ट टू, नॉट इज आवर मिस्टर ओलंपिया डायरेक्ट लंसफर्ड, वो भी इतने क्लोज नहीं है परफेक्शन के। सो आंद्रेया गाइस जिस तरह का साइज और जिस तरह की लेवल ऑफ विथ ये कैरी करते हैं दैट इज रियली रियली गुड। जिस तरह की स्पेस ही लेते हैं स्टेज के ऊपर दैट इज इंक्रेडिबल। He is really really a big bodybuilder and he came in really peeled guys, he was really diced, condition बहुत अलग ही level पर थे। तो भाई पैट्रिक के लिए मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। पैट्रिक इज गोइंग टू लुक स्मॉलर अगर उन्होंने साइज ऐड नहीं कराए तो, अगर साइज ऐड कर लिया है तो थोड़े से स्मॉल लगेंगे, बट स्मॉल तो उनको तब भी लगना है, उनकी डेस्टिनी में है यहाँ पर आंद्रेया पेस्सी के सामने। बिकॉज आंद्रेया पेस्सी इज वन ऑफ द वाइडेस्ट एंड वन ऑफ द बिगेस्ट बॉडी बिल्डर्स वी हैव एवर सीन, तो मज़ा आएगा देखने में। लेकिन हाँ, आंद्रेया पेस्सी के लिए मुझे लग रहा है ज़्यादा चांसेस है क्वालिफाई करने के। ज़्यादा क्या मतलब, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आंद्रेया पेस्सी ही क्वालिफाई करेंगे इस बार मिस्टर ओलंपिया के लिए। अब आई एम नॉट श्योर कि ये शो नेक्स्ट ईयर के लिए क्वालिफाई करेगा या इस ईयर के लिए, बट जो भी है हमें पता लग ही जाएगा। एंड आई रियली बिलीव आज का वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दो यार, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कर दो, जो मन आए वो कर दो। बाकी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि वीडियो आपको कैसा लगा, अपडेट्स आप किसकी और कवर करते हो मुझे देखना चाहते हो। बाकी कल का वीडियो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।